हेलो गाइस, वेलकम टू मास्टर शेफ भास्कर मौर्य किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं एग चिकन सॉसेज एंड चिलाड्स। चलिए इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एग एंड चिलाड्स बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एग की, और इससे हम लोगों को एग शीट्स बनानी है। एक शीट बनाने के लिए हमें 2 अंडे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हमें 3 रोल्स बनाने हैं, तो हम इसके लिए 6 एग्स लेंगे। और अब हम इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी शीट्स बनाएंगे। इसको अच्छे से विस्क कर लेना है, और अब हम इसके लिए शीट्स बनाएंगे। इसकी नॉनस्टिक पैन लेंगे हम, उसको मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, और उसको एग डालते हुए रोटेट करना है, जिससे कि इक्वली लेवल एग्स हर जगह फैल जाए और इसकी प्रॉपर एक थिकनेस वाली शीट्स बन जाए। हमें ये शीट थोड़ी सी थिक चाहिए, और हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे, देन हम इसको स्टॉप कर देंगे गैस को। 20 सेकेंड्स के बाद आप देखेंगे तो वो अपने लेयर्स छोड़ देगा, देन हम उसको निकाल लेंगे। ये हमारी एग शीट्स तैयार हो गई। एक बार आप और देख लीजिए, फ्लेम को हमने तेज कर दिया है और सारी साइड से उसको हीट दे रहे हैं, देन हम इसको बंद कर देंगे गैस, इजीली निकल जाएगी। अब हम एंचिलाड्स के लिए 2 वेजिटेबल सौते करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं वेजिटेबल सौते। पैन में ऑयल लेंगे, अनियन स्लाइस डालेंगे, और उसको थोड़ा सा सौते करेंगे, देन हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें बेल पेपर्स ऐड करेंगे, रेड ग्रीन येलो बेल पेपर्स जूलियंस, और इसको हम थोड़ा सौते करेंगे। अब हम इसमें स्पिनिच ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें बेसिल के लीव्स डालेंगे, फ्रेश बेसिल। नेक्स्ट स्टेप सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, पेपरिका पाउडर, चिली फ्लेक्स, और अब हम इसको टॉस करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। वेजिटेबल हमारी इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो क्रंची रहे, क्रंची वेजिटेबल सभी रिक्वायरमेंट है इसके लिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, हाई फ्लेम पे हमें चिकन सॉसेज को शैलो फ्राई करना है, और उसको हम बीच बीच में हिलाएंगे ताकि उसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए, तब तक हमें इसको उस पर फ्राई करना है। अब हमारे सॉसेज में गोल्डन कलर आ रहा है, अब हम इसको निकाल लें। हमको एक रोल में 4 चिकन सॉसेज की रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से हमें 3 रोल बनाने हैं, तो हमें 12 पीसेस चिकन सॉसेज चाहिए होंगे। हमने 2 रोल बना लिए हैं, और एक रोल मैं आपको दिखा रहा हूँ। चिकन सॉसेज हमने लगाई है, और जो हमने सौते वेजिटेबल करी थी वो हम चिकन सॉसेज के साथ
इसके अंदर फिलिंग करेंगे और अब हम इसको रोल करेंगे। अब हम इसके लिए मिरर बाउल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो बेसिल सॉस। टमाटो बेसिल सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल मिल जाएगा आपको। अब हम इसमें जो रोल हमने बनाए हैं उसको वन बाय वन हम इसमें बाउल में प्लेस कर रहे हैं। और अब हम उसे इसके ऊपर से टमाटो बेसिल सॉस को इसके ऊपर से हमें इसके ऊपर डालना है। अच्छे से हमें टमाटो सॉस से रोल को कवर अप कर देना है सॉस से। और उसके बाद हमें इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे चीज़ से। आप इसमें पार्मेजन चीज़ भी डाल सकते हैं, मेरे पास मोजरेल चीज़ अवेलेबल था तो मैंने मोजरेल चीज़ डाला। आप पार्मेजन चीज़ डाल के इसको ग्रिलर में 140 टेम्परेचर पे 10 टू 15 मिनट्स रखना है और अगर हम इसे अवन में रखते हैं तो 160 टेम्परेचर में 10 टू 15 मिनट्स हमें अवन में रखना है। हमें इसमें देखना है कि इसके ऊपर चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसके ऊपर एक अच्छा गोल्डन क्रश आ जाए। हमारा कलर बहुत अच्छा है। अब हम इसकी हम प्लेटिंग करें। एग चिकन एनचिलाड्स हमारा रेडी है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। हम इसको निकाल के प्लेट में लगाएंगे। गार्निश विद लेट्यूस एंड बेसिल लीव्स और हम इसको विद पेस्टो सॉस से गार्निश करेंगे। ये हमारा एग चिकन सॉसेस एनचिलाड्स रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब मास्टर शेफ भास्कर बोरिया। थैंक यू।